कोरिया के मनेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल के कुत्ते वाले बयान पर अब बवाल मच गया है। बीजेपी ने विनय जायसवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता विधायक कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में घेराव किया, लेकिन पुलिस ने गोदरीपारा इलाके में ही उन्हें रोक लिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें कि विधायक विनय जायसवाल का भरी सभा में उन्होंने कहा था कि भाजपा शासन में स्वास्थ्य केंद्रों में कुत्ते सोते थे। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में अब तक कुल 13 कौओं की मौत की खबर सामने आई है और एक पोल्ट्री फार्म में 210 मुर्गियों की भी मौत हो गई है। मृत कौओं और मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं, जहां से जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि कौओं और मुर्गियों की मौत आखिर कैसे हुई। जिले में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका से लोगों में दहशत है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। इधर पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने पोल्ट्री फार्म पहुंचकर मृत मुर्गियों की जांच की है। कोरिया के मनेंद्रगढ़ इलाके में सड़क किनारे मृत मुर्गे मुर्गियों के मिलने से दहशत फैल गई। नेशनल हाईवे पर डोंगरी पहाड़ी के पास मुर्गे मुर्गी सड़क किनारे पड़े मिले। इसके साथ ही यहां कुछ दवाइयां भी मिली है। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। खबर दिखाए जाने के बाद पशु चिकित्सा विभाग, नगर पालिका, वन विभाग और जिला प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा। जांच के बाद मृत मिले मुर्गे मुर्गियों को सैंपल लेने के बाद डिस्पोज कर दिया गया। फिलहाल अधिकारी बर्ड फ्लू के लक्षण होने से मना कर रहे हैं। हालांकि एहतियातन कोरिया जिले से लगी एमपी की सीमा को सील किया जा रहा है। हमने इसके अलावा मध्य प्रदेश से आने वाले जितने भी बॉर्डर हैं, उसके लिए भी वीओ को हमने तैनात किया है। उसकी हमने समिति बनाई है और जितनी हमारा जो प्रक्षेत्र है, जो कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र है, उसमें भी हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। फिनाइल और चूना का वो लगवा दिया है, जिससे कोई भी यदि अंदर जाता है तो इस टाइप का बर्ड फ्लू लेकर कोई अंदर तक न पहुंच पाए।